एक मेंस परीक्षा 180 मिनट की होती है, एक पेपर, राइट। कितने क्वेश्चन होते हैं? अगर इसको हम 180 में डिवाइड करें, 125 शब्द वाले थोड़े कम समय लेंगे, 250 शब्द वाले ज्यादा समय लेंगे, है ना। 250 एंड 125, ठीक। अगर हम कैलकुलेशन के फॉर्मेशन में आ जाएं, यहां पर 120 मिनट्स को एक क्वेश्चन पढ़ करके लिखने की मुद्रा में आने में, एक क्वेश्चन पढ़ के लिखने की मुद्रा में आने में, मुद्रा का मतलब समझ चुके हैं, फ्रेमिंग आ चुकी है, अब लिखना है। प्रश्न समझ लिया, क्या लिखना है, कहां से शुरू करेंगे, अंत क्या करेंगे, निष्कर्ष चाहिए कि नहीं, समीक्षा मांग रहा है, आलोचना मांग रहा है, विवेचना मांग रहा है, टिप्पणी कह रहा है, प्रकाश डालिए कह रहा है, क्या कह रहा है। आपने सब समझ लिया, अगर एक क्वेश्चन समझने में एक मिनट लगाया, इतना करने में एक मिनट, ओनली वन मिनट, तब भी 20 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट तो समझने में लगेंगे, ठीक है। आप अगर 20 मिनट समझने में, क्वेश्चन अभी एक भी शब्द लिखे नहीं है, तो 180 में से 20 पहले ही घट गया। अब टाइम कितना बचा? 160 मिनट। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। आपकी गलत फहमी जो झूठ मूठ की बनी हुई है, 180 मिनट, वो मैं 80 मिनट फिनट नहीं है। अरे यार, एडमिट कार्ड नहीं पलटोगे क्या, इन्विजिलेटर साइन नहीं कराता क्या? एक इन्विजिलेटर ऑन एन एवरेज आपके टेबल पे सिर्फ साइन करने की बात नहीं करता हूं, जब वो दूसरे से साइन करा रहा होता तब से डिस्टर्ब करता है। आपके बगल वाले से जब साइन कराने आता तब से आप डिस्टर्ब रहते हैं, और जब तक आपके पास जाके बगल वाले के पास से गुजरता नहीं तब तक डिस्टर्ब करता है। ये 1+2 की स्कीम है, पहले भी बाद में डिस्टर्ब। एक मिनट आप डिस्टर्ब हुए तो कितना मिनट हुआ? बहुत मामूली ले रहे हैं, होता है कि नहीं? देखो, आपका अनुशासन भी यह परीक्षा का एक मॉडल विकसित करता है। आदत डालो, अगर यह कुछ हो गया और वो भी दूर हो गया, ऐसा कहीं नहीं कमरे के बाहर ही है, बहुत दूर हो जाता है कभी कभी। कुल मिलाकर के किसी भी एन केन प्रकेर्णेन हम कह रहे हैं छोड़ देते हैं उसको, तब भी आपके पास 155 मिनट होता है। वो ऑप्शन है, हो ना हो ये जरूर होता है। इन्विजिलेटर सबके पास आएगा, क्वेश्चन सब पढ़ोगे, सब कुछ ये सबके पास कॉमन है। 155 मिनट आपकी परीक्षा बेटा, 155 मिनट की है लिखने की। अगर आप 125 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1250, 250 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2500, 3750, ये शब्द आपके हैं उत्तर। इतने शब्द आपको लिखने हैं 3 घंटे में, नहीं 155 घंटे में, 155 मिनट में। आप 5 मिनट कुछ इफिशियंसी को, दक्षता को, अपने ऊपर संदेह के लिए भी तो रखेंगे, तो इसका 5 मिनट रिजर्व रखिए। अब बचा 105, ये रिजर्व रखिए, इस्तेमाल हुआ तो और अच्छा कर लेंगे, नहीं हुआ तो 150 मिनट में 3750 शब्द। 10 यहां से काटिए, 1 यहां से जाटिए, 15 × 2 = 30, 7 × 15 = 25, कितने शब्द आए? 25 शब्द।
अगर आपको एक मिनट में 25 शब्द लिखना नहीं आता है तो 3750 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि टिक करने के बाद लिखने वाला मंत्रणा जो है काफी घोर तपस्या वाला है कि नहीं है, क्योंकि गुजरना कहां से है? अध्ययन से, अवधारणा से, अध्ययन के बाद अवधारणा कंसेप्ट भी बने और शब्द भी आए। पेन शब्द निकालती नहीं जल्दी, दिमाग जो कहेगा वही पेन निकालता है, लेकिन दिमाग में किम कर्तव्य मूढ़ता भरी है। आपने अगर पिछले 3 महीने से प्रासंगिकता शब्द नहीं लिखा है और आप एग्जाम में जा रहे हैं, मेरा दावा है कि आपके पूरे लेखन में प्रासंगिकता शब्द नहीं आएगा। यद्यपि तथापि आपके लिखने की आदत में नहीं है तो पूरे एग्जाम में 3750 शब्द में आपको कभी यद्यपि तथापि लिखना नहीं आएगा। हर शब्द शब्द आपने वो पिक्चर देखा है कि नहीं, वो जिसमें लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें उसको बापू दिखते हैं, बाद में क्या समझ में आए, वो उसी का नाम बताता था, क्यों नहीं मां का नाम बता पाया गांधी जी की? वैसे जो शब्द आपके दिमाग में हैं वही पेन निकालता है। वो शब्द कहां से आएंगे? अध्ययन से। और शब्द को गूंथेंगे कैसे? अवधारणा से। शब्द अकेला नहीं होता, शब्द वाक्य के साथ चलता है। राम क्या मतलब निकला? प्रभु क्या मतलब निकला? का के में है ने, क्या अर्थ, कोई अर्थ निकला? क्या अर्थ निकला? राम अयोध्या के राजा थे, अब अर्थ निकलेगा ना? वाक्य में शब्द को पिरोना पड़ता है ना, तो शब्द बनाने के लिए आपको एक मिनट में 25 शब्द लिखने हैं। तो केवल शब्द नहीं है, शब्द के शब्दार्थ हो, भावार्थ हो, अवधारणा हो और प्रश्न का उत्तर बने। प्रश्न वही अच्छा, उत्तर वही अच्छा जो प्रश्न को संबोधित करे, जो प्रश्न उत्तर, उत्तर जो संबोधन करता है ना प्रश्न का, जैसे राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, प्रश्न का संबोधन है उत्तर। अगर उत्तर आपने लिखा लेकिन प्रश्न का संबोधन नहीं है तो किसी और प्रश्न का हो गया, जो पूछा ही नहीं तो क्यों नंबर देगा आपको? वो पता नहीं मिलता, डाकिया की चिट्ठी पे पता नहीं है, संदेश कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो वो जगह नहीं पा सकता। प्रश्न का संबोधन है उत्तर, आपकी जानकारी उत्तर नहीं है। टिक करना, सही टिक करना, कुछ भी टिक करना, तो सही क्या है? अध्ययन और अवधारणा।